हेलो गाइस, तो राम जी के आने की खुशी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने सोचा है कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हम भी करते हैं। तो गाइस, हम लोग ना लड्डू बना रहे हैं, हम सब मिलके, हम दोस्त लोग मिलके। ये हूँ मैं, ये है रिद्धि, देखिए रिद्धि यहाँ पे, इसने हार उठा रखा लड्डू बनाने का, रिद्धि और मैंने, रिद्धि है हमने, हम बना रहे हैं बेसन का लड्डू। हम खरीद के ला रहे हैं गाइस, हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे राम जी के लिए और हम सबको बांटेंगे कल, क्योंकि राम जी आए हैं, सबके मुँह मीठे होने चाहिए, तो हम लड्डू बना के बांटेंगे। क्या कहते हो करण भाई? काम करो, लैपटॉप खोलो, करण भाई बिजी अरे हो। मैं करण नहीं, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं कर पाऊंगा। भाई ने काम करना चाहिए। चतुर भाई आपकी ड्यूटी है, करण भाई को काम करवाओ, मैं खुद तो काम कर लूँ पहले। काम कंप्लीट होना चाहिए। तुम लोग बनाओ देख, ना, काम हम चोरी लोग कर हर रहे भाई हैं, थोड़ी ना, काम चोरी कर रहे हैं लोग। और तुम लोग बांटने यहाँ का काम करेंगे ना? अबे साले जब माफ करना, मैं बांटना हो। और यहाँ पर देखिए, हमने डाल दिया बेसन गाइस, पहले बेसन डालना है पहले। और इसका बेसन पहले बता दी, बेसन कौन सा होता है? ये दरदरा बेसन होता है। दरदरा बेसन होता है गाइस। ये देखो, हमने पूरा बेसन डाल दिया गाइस। कितने लड्डू बनते हैं देखते हैं, सारा डाल देना, देखते हैं कितने लड्डू बनते हैं गाइस। कल राम आए हैं दर पे हमारे, कैसा मुंह बना देना है फेंको, चलो गाइस। कचरा लो। 500 साल बाद राम जी आए हैं दर पे। हमें श्री राम जी के लिए देखिए, हम बिल्कुल नहा धो के रेडी होके बना रहे हैं, जिसमें मैं हेल्प करूँगा। पर ये कढ़ाई में साइड से हैंडल क्यों नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। हमारे वहाँ कढ़ाई में हैंडल नहीं होता क्या साइड में? नहीं कितना आसान तो है यार दीदी, कितना आसान मत कर, बहुत आसान है पता है। ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, हाँ। तो निकालना है। हमें भूख लगी तो हमने खाने के लिए क्या क्या बनाया, रगड़ा पूरी, सेब पूरी, दही कचौड़ी, दही पूरी, ये देखो सब कुछ आ चुका है खाने का। ये भी आ गया, ये भी आ चुका है खाने के लिए, गरीब आए नहीं। और यहाँ पर भी है, देखो गाइस यहाँ खोलो ना, अब दिखे जनता को हम खाते भी हैं। ये समोसा पाओ, टोटो भी आ गया, टोटो के नाम कुछ करण भाई, गाना सुनाओ राम जी वाला, राम जी वाला गाना सुनाओ। अरे नहीं रुक जाओ, बनने मैंने तो आधा बनाया स्टार्टिंग में, पूरा मैं सामान लाया। चल दिया क्या चट कर गया करण भाई, क्या हुआ? उसमें बचा हुआ है, एक नया बच्चा है पूरा, ये देखो। क्या रेडी हो चुके? कमेंट में यस या नो लिखिए, पर तब तक लड्डू तो हम बांटने हैं गाइस। ये देखो, ये यहाँ सोई पड़ी है, ये करेंगे मेहनत, मैं और करण भाई लगे पड़े हैं वहाँ काम करने में। ये टोटो को देखो कैसे टहल रहा है, मैं और करण भाई लगे पड़े हैं बेसन के लड्डू बनाने में, सिद्धि सोई है वहाँ पे। हाँ ठीक से करो, अभी तक मैं कर रहा था ना, जैसे मैं कर रहा था वैसे ही करो। हाँ शाम को कौन कौन आने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ करण भाई, उसमें क्या डालना है अभी, मैं भी लगा हूँ। हाँ कितना डालना है ये? बहुत दूर से लेके आया हूँ, कहाँ से? नाइस वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाह। तुम लोग नहीं कर पा रहे, लाओ मुझे दो यार, लाओ लो मुझे दो, लाओ। क्या कर रहे हो ये गाइस? पहला स्टेप हो चुका है। हाँ दिस इज वेरी सैटिस्फाइंग, करने की जरूरत ही नहीं है, बस रख दो बाहर। अरे नहीं जरूरत है करण, नहीं जरूरत है। अरे ये हाँ हाँ रखना ही पड़ेगा उसमें। दिखाता हूँ आपको, आज एक गाइस एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं करूँगा यार। दिखा 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 गाइस, देखो बस आप देखना, ये ले कैमरे से दिखा दूध गाइस, टोटो दूध, सेटिस्फाइंग चीज़ टोटो। ये भाई किधर गया टोटो? हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हो सेटिस्फाइंग, एक्सो खेलने हम लोग, हम देखते हैं कौन जीत। अभी बनाए
आप देख सकते हैं कितना काम हो चुका है। ये ना पूरा एकदम करेक्ट गोल घुमाते हैं। करण भाई अब एक नया मैजिक, ऐसे नहीं ऐसा नहीं मैं करता हूँ। नहीं नहीं गिर जाएगा भाई, भाई गिरेगा और गिरेगा तो ये मार खाएगा। नहीं नहीं मत, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, गिरेगा। हाँ थोड़ा पीछे एक एक ना, अरे गिरेगा आज, अरे आज नीचे सोना पड़ेगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, मेरे को तो नहीं। वाह, और ये गाइस देखिए चीनी डालते हुए दुनिया भर की कैलोरीज। अरे बस इसमें नहीं डाले, इसमें ऑलरेडी डाली हुई थी। नहीं नहीं डाल के डाल। ओ भोगटी है ना, खाली बैठे हैं। हाँ हम अंदर को जाएंगे। हाँ करण भाई खाली मुंह से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग हाथों से कर रहे हैं। देखो जय श्री राम, जय श्री राम। हालत होने वाली है, देखो अभी भी लग रहा है इजी नहीं है। गाइस तो लड्डू बनना चालू हो चुके हैं, सबको लगा था बहुत इजी टास्क है, लेकिन अभी तक कितने ही लड्डू बने हैं। बन जाएंगे, दोनों हाथ से बनते जा रहे हैं। और इसने और तो साइज चेंज करते जा रहा है, साइज कितनी बड़ी कर रहा है। मेरे हिसाब से ना इतना बड़ा के बनाते ना तो अच्छा होता था, तुम लोग इतना सा बना ले इसे चाहे। और अब लड्डू प्रिपरेशन लगभग हो चुके हैं कम्प्लीट, अब चलते हैं देखते हैं मुंबई में क्या क्या तैयारी कर रखी है राम जी के लिए। चलिए दादर नहीं, बेसिकली हम लोग मुंबई में देख रहे हैं कि राम जी आ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है मुंबई में। रात को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रात को लाइट में ना हमें पता चला कि दादर में लाइटिंग से पूरे राम जी सीता जी सब कुछ बना रखे हैं, तो हम देखते हैं कि मुंबई वालों ने कैसी तैयारी कर रखी है गाइस। एंड रास्तों में भी दिखाएंगे आपको क्या क्या कर रखा है। रात को प्रॉपरली नहीं दिखे तो कल मैं डे का भी दिखाऊंगा आपको। कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग करण भाई? दादर, वी आर गोइंग टू दादर। देखते रिद्धि आज गाना कैसे गाएगी। करण भाई ये रिपीट करें। मैं गाना अच्छा नहीं गाती, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। हमने बस अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की है और देखो गाइस कैसा वो होगा। ये पूरा मार्बल ने बना है, बहुत शानदार। और अंदर वो है राम जी, अंदर दिखा देते हैं, आप दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए गाइस हम आपको इधर से दिखा देते हैं एक बार कैसा है, बहुत शानदार है। वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है अभी, बट ये है। और ये पूरा डेकोरेशन कर रखा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर रखा है गाइस। ये अयोध्या जैसे दिख रहा है। हमसे कहा गया था कि वाली सीलिंग में ना जो लाइट्स होती हैं सीलिंग की उसमें ना जय श्री राम का कुछ बनाया है, जय श्री राम लिखा है ऐसा पोस्ट में डाला गया था। बट अभी हम आए हैं, हम कब से रुके हैं, लाइट बदलने नहीं दे रही, गाड़ी बदलने नहीं दे रही है। करण भाई लोग तो पीछे ही हैं गाड़ी में, मैं आगे आया हूँ और मैं देख रहा हूँ आगे। देखो हमारा अब भीड़ है हमारे बस, आप एकदम भीड़। एंड वाली सीलिंग में तो लाइट ही नहीं दिख रही अभी, तो वाली सीलिंग की लाइट ही ऑफ हो गई। मेरे को जानता नहीं। ये वाली सीलिंग है ये जहाँ पर आपको लाइट दिख रही समझ के बीच में, मैं जूम करता हूँ शायद अभी जय श्री राम आएगा यहाँ पे। ये वाली सीलिंग है बट यहाँ लाइट ही नहीं बदल रहे हैं, हम कब से रुके थे लाइट बदल। तो वर्मा भाई को हमने भेजा है कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन निकालने को, क्योंकि सीलिंग की लाइट हमें दिख नहीं रही है। वो अगर आपको दिख रहा होगा छोटा सा ट्रायंगल, तो उस पर लाइट होनी चाहिए बट लाइट है नहीं गाइस, तो लाइट शो नहीं होने वाला है जैसा तो पता चल गया। वो खाली ट्रायल रन कर रहे थे कर परसों, ये 22 को होगा और हम 12:30 तक रुके हैं क्या पता होगा, बट बैड लक 12:30 बजे से गाइस। अब चलते हैं घर, कल निकालेंगे। करण भाई कैसा लग रहा है आपको? कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है पोपट, लेकिन ठीक है। तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अब देखते हैं गाइस क्या ही करें।
चलो चलो चलो। अर्ली सीलिंग में देखने को नहीं मिला तो क्या हुआ गाइस, हमने फिर गाड़ियां निकाली बाइकों में और हम चले गए और डेकोरेशन देखने। गाइस हिंदुस्तान में ना आज ऐसा लग रहा है कि सब एक हो चुके हैं, कोई स्टेट नहीं है, कोई सिटी नहीं है, सब एक हो चुके हैं। इतने प्यार से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ, 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 हर जगह भगवा कलर, मतलब घूस बम्स आ रहे हैं हर जगह देखने, हर जगह राम जी जय श्री राम, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया। ये एक एपिक मूवमेंट है शायद, जय श्री राम यार। गाइस आप लोग बस इंजॉय कीजिए, देखिए बॉम्बे में क्या ही कर रखा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ आई एम तो लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। ये तो गाइस सिर्फ तैयारी दिखा रहा हूँ, अभी 22 तारीख को क्या क्या होगा आप वो सोचिए, आपका दिमाग फट जाएगा उस सब होने वाले। तो चैनल में बने रहिए, मैं 22 तारीख को दिखाऊंगा जब राम जी आ जाएंगे, उसके बाद बॉम्बे में क्या क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ तैयारी है गाइस, तो बने रहिए चैनल में। चलिए बाय बाय और जय श्री राम गाइस।